IPL ऑक्शन 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को खरीद लिया है। CSK ने कोची में हुए ऑक्शन में 16 करोड़ 25 लाख की मोटी रकम खर्च कर स्टोक्स को अपने पाले में शामिल कर लिया। इस शानदार खरीद के बाद CSK के CEO काशी विश्वनाथ ने बताया है कि स्टोक्स को पाने के बाद टीम के कप्तान MS धोनी का रिएक्शन कैसा था। विश्वनाथ ने कहा है कि MS धोनी स्टोक्स के आने पर बहुत खुश हैं, जो लाजमी है। काशी विश्वनाथ ने बात करते हुए कहा, स्टोक्स को पाकर हम बहुत उत्साहित हैं, साथ ही हम भाग्यशाली भी रहे क्योंकि वो आखिर में हमारे पास आ ही गए। हम एक ऑलराउंडर चाहते थे और MS बहुत खुश थे कि हमें स्टोक्स मिल गए। कप्तानी का विकल्प है, लेकिन MS को समय के साथ इस पर फैसला करना होगा। बता दें, ड्वेन ब्रावो टीम के साथ काफ़ी सालों तक खेलते आए और अब वो क्रिकेट से IPL से रिटायरमेंट ले चुके हैं। स्टोक्स और धोनी के अलावा काशी ने यह भी बताया कि टीम ने काइल जेमिसन पर बोली क्यों लगाई। सिर्फ 1 करोड़ में मिले जेमिसन पर, विश्वनाथ ने कहा। काइल जेमिसन घायल हो गए थे, इंजर्ड थे, इसलिए शायद कई अन्य लोगों ने उनकी ओर नहीं देखा। हमें फ्लेमिंग से जानकारी मिली थी कि वो ठीक हो गया है और खेलने के लिए तैयार है। CSK की टीम बेहतर दिख रही है और मुझे उम्मीद है कि हम इस सीज़न में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम हमेशा प्रोसेस फॉलो करते हैं और इससे हमें अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। स्टोक्स पर लौटते हैं, ऑक्शन के ठीक बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि वो CSK के अगले कप्तान बन सकते हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स MS धोनी के बाद एक ऐसे कप्तान की तलाश में है जो आने वाले समय में टीम की कमान संभाल सके। टीम के पास रविंद्र जडेजा के रूप में एक बड़ा खिलाड़ी मौजूद ज़रूर है, लेकिन उनकी कप्तानी में CSK को कामयाबी नहीं मिली है। बेन स्टोक्स इंग्लैंड टीम के कप्तान भी हैं और T20 क्रिकेट में भी उन्हें अच्छा अनुभव है। वो आने वाले सालों में CSK के कप्तान ज़रूर बन सकते हैं और इसी के चलते सिर्फ 16.25 करोड़ में चेन्नई के खेमे में जाने वाले बेन स्टोक्स को इस ऑक्शन की सबसे परफेक्ट खरीद बताया जा रहा है। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स ने अजिंक्य रहाणे, शाइक रसीद, निशांत संधू, अजय मंडल और भगत वर्मा को भी खरीदा है। 2022 में खराब प्रदर्शन के बाद 2023 में CSK क्या करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत और कैमरे के पीछे आलिश हैं। ललन टॉप स्पोर्ट्स पर आपको IPL ऑक्शन, इंडियन टीम और बाकी सारे स्पोर्ट्स से सारी बड़ी खबरें मिलती रहती हैं। हम आपके लिए कई सारे किस्से, कहानी और इंटरव्यूज़ सब लेकर आते रहते हैं। सोशल मीडिया पर हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए हम सारी छोटी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। अगर कंपटीशन की कर रहे हैं कड़क तैयारी तो आपकी हवारी, मौके पर दिखाइए ज्ञान, मौके पर जीतिए इनाम। बस सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे ललन टॉप क्विज खेलने का करना है काम।